तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की जो वीडियो बना ली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो है इसमें कोई आपको ट्रिक, कोई बग, आपको कोई हिडन प्लेस नहीं बताने वाला नहीं। और इस वीडियो में मैं आपको एक कस्टम रूम में हम फिस्ट फाइट करेंगे 2v2, ठीक है ना। मेरे साथ है मनान भाई, FV मनान, हमारी गिल्ड है फायर बॉयज़। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उनका, अपनी गिल्ड की मैं आपको ID जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा अगर आप मेरी गिल्ड में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको अपनी गिल्ड में ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। लेवल 4 की मैक्स गिल्ड है हमारी, तो आप अगर आप कोई ज्वाइन करना चाहता है, फायर बॉयज नेम की गिल्ड है, तो हम आपको ऐड कर लेंगे अगर आप कमेंट में अपनी ID जो है वो कर दे दें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थोड़ी मतलब कमेंट्री करते हैं। तो इसको ने हमारे टीममेट को मार दिया, तो इसी के साथ मेरी फाइट चल रही थी, इसको मैंने डैमेज दिया, ये भाग गया। मेरी भी हेल्थ स्लो थी तो मैंने पहले खुद को हील किया और इसने भी हील कर लिया, उसने फिर इसके बाद मुझे मार दिया। तो यहाँ पे मनान भाई सोच रहे थे कि 1v1 कर लेंगे, मतलब इकट्ठे फाइट नहीं करेंगे, पहले एक बंदा जाएगा वो फाइट करेगा, लेकिन वो जैसे ही आगे गया तो इसने मतलब पहला मुक्का इसने चला दिया और उसके बाद फिर हमारी फाइट शुरू होगी, ठीक है। इस तरह से उन्होंने मनान भाई को नॉक किया और इसके बाद इसको मैंने नॉक कर दिया। ये वैनम वाला मतलब फेस्ट फाइट में अच्छा खेलता है, वो दूसरा जो इसके साथ था वो मतलब फेस्ट फाइट में नूबड़ा है, ठीक है, पूरा नूबड़ा है वो। मतलब वैसे वो गन फाइट में ठीक है, लेकिन फेस्ट फाइट में वो बहुत मतलब गंदा खेलता है। तो यहाँ पे इसको हेडशॉट पड़ा और ये नॉक हो गया, ठीक है। यही मरता था मेरे हाथों, ठीक है, ज़्यादातर यही मरा मेरे हाथों। यहाँ पे उसने मनान भाई को नॉक कर दिया, मैं सीधा उसके पीछे गया, लेकिन वो उसने मारा ऊपर से मुक्का, 100 का लगा, ठीक है, 100 का शायद लगा होगा, और इसके बाद 100 के 2 लगे और इसके बाद वो ख़त्म हो गया। फिर से मैंने इसको एक मुक्का मारा, पता नहीं क्या ग्लिच थी यार भाई के, लेकिन ये डैमेज ऐड नहीं हो रहा था, ठीक है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा डैमेज दिया, उसके बाद इसके मैं पीछे बिल्कुल गया, ठीक है, नहीं इसको मैंने हील नहीं करने दिया, बिल्कुल भी हील नहीं करने दिया। देखो इसकी मेडकिट भी 2 थी, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको बहुत ज़्यादा इसका डैमेज पड़ा। और फिर नेक्स्ट राउंड में हमारी यहाँ पर फाइट हुई, ये कौन केप टाउन में, और इसको फिर से हेडशॉट पड़ गया, आराम से हेडशॉट पड़ा, मैंने इसको पूरा फिनिश किया। इतने में मनान भाई ने उधर से उसको ख़त्म कर दिया, और यहाँ से इस पॉइंट में भी हमारी विक्ट्री होगी। यहाँ पे हमारे हो गए थे 3 पॉइंट और उनका 1 पॉइंट, फिर यहाँ पे फाइट हुई हमारी, इस राउंड में हम हार गए, ठीक है। एक को मैंने नॉक किया, दूसरे उसने मुझे मुक्का मार दिया, और मनान भाई फाइट कर रहे थे, अलोक यूज़ किया और उसने मनान भाई को भी मार दिया, मुझे हेडशॉट से मारा और उनको बॉडी शॉट से। यहाँ पे मनान भाई बहुत अच्छा खेले, उन्होंने अकेले ही दोनों को ख़त्म कर दिया, मैंने मतलब डैमेज दिया लेकिन अकेले उन्होंने दोनों को ख़त्म कर दिया। मेरा इस राउंड में एक भी किल नहीं था। और उसके बाद आ गया फैक्ट्री वाला राउंड, इस पे हमने सोचा कि फैक्ट्री के ऊपर चढ़कर फाइट करेंगे। यहाँ पे हम इस फाइट में भी हम मार गए थे, मैं नॉक हो गया पहले, ठीक है, मैं दरमियान में आ गया था तो इसलिए मैं मार गया, ठीक है, मैं दरमियान में आ गया था और आराम से मुझे नॉक कर दिया उसने। और उसके बाद मनान भाई भी, और ये राउंड आखिरी था, क्योंकि अगर वो राउंड ये जीत जाते तो फिर आखिरी राउंड इसके बाद होता जिसमें जो जीता वो मतलब टीम जीत जाती। तो यहाँ पे हमने बोला कि उनको दोनों को फाइट करने दो, मनान को और उसको, और हम दोनों यहाँ पे मोड़ दिखाते हैं, ठीक है, आराम से फिर बाद में फ़ाइट करेंगे हम दोनों एक एक करके। जैसे ही फिर उन्होंने नॉक किया तो मैं भाई जल्दी से गया कि मेरा टीममेट नॉक पड़ा है, तो मैं फ़ाइट करने गया, वो पीछे हट गया और ये आ गया, मैं अकेला था और ये 2 थे, और इसको जैसे ही हेडशॉट पड़ा फिर उसको भी आराम से पता नहीं कैसे हेडशॉट लग गया और वो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आ जाए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।